नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अशोक के धर्म के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के शिलालेखों के बारे में चर्चा की थी। आज हम अशोक के धर्म के बारे में जानेंगे। क्या है अशोक का धर्म? देखो विद्यार्थियों, अशोक प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग युद्ध जो कि 261 ईस्वी में हुआ, उसके बाद धीरे 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 करके अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में विभिन्न प्रकार के जो शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेखों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखिए किन किन बातों से हमें इस बात का आभास मिलता है और जहां से आपके क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। रीट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए विद्यार्थियों। देखिए अशोक द्वारा लघु शिलालेख नंबर 1 में कहा गया है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया था। आपसे शिलालेखों का नंबर दिया हुआ आ सकता है और उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी बात लिखी हुई है। उसके आधार पर ही मैंने ये लेसन आपके लिए तैयार किया है विद्यार्थियों। देखो लघु शिलालेख 1 कहता है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। किसने? अशोक ने। इसके अलावा शिलालेख नंबर 8 में कहा गया है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की। कहाँ की विद्यार्थियों? बौद्ध गया की। क्या की थी? यात्रा की थी। अशोक ने अपने शासनकाल के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की थी। उससे भी साबित होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और लघु शिलालेख 1 इसका प्रमाण है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था विद्यार्थियों। उसके बाद आता है मास्की का लघु शिलालेख। मास्की जो कि कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? कर्नाटक में पड़ता है। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को शाक्य बुद्ध कहा है। क्या कहा है विद्यार्थियों? शाक्य बुद्ध के नाम से जाना गया है। इससे भी साबित होता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था। उसके बाद आता है निगली सागर। निगली सागर जो आपका लघु स्तंभ लेख है, उससे हमें पता चलता है कि अशोक ने यहाँ पे 14वें वर्ष में आया था। कब आया था? 14वें वर्ष में आया था और कनक मुनि की मूर्ति का उसने क्या किया था? यहाँ पर उद्घाटन किया था और 20वें वर्ष में आकर के यहाँ पर क्या की थी? पूजा और अर्चना की थी। ये हमें निगली सागर स्तंभ लेख बताता है कि अशोक ने अपने 14वें वर्ष में कनक मुनि की मूर्ति स्थापित की थी और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यहाँ पर आकर के पूजा और अर्चना की थी। उसके बाद आता है रुमिनदेई जो है यहाँ पर आया था राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में रुमिनदेई में यहाँ पर आया था और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर जो धार्मिक कर जो सब पर 1/6 लगता था, उस कर को इतना कर दिया। रुमिनदेई जनता के लिए धार्मिक कर को कितना कर दिया विद्यार्थियों? 1/8 कर दिया। किसने? अशोक ने। तो अशोक ने रुमिनदेई के 20वें वर्ष में यात्रा की और रुमिनदेई नेपाल की तराई में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध की जन्म स्थली आपसे पूछा जा सकता है, बुद्ध की जन्म स्थली की यात्रा अशोक ने कब की? 20वें वर्ष में की। और रुमिनदेई स्तंभ लेख के माध्यम से हमें इस बात का पता चलता है और रुमिनदेई स्तंभ लेख से ये भी पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध की जन्म स्थली के लोगों पर
जो धार्मिक कर था उसको 1/8 कर दिया था विद्यार्थियों। उसके बाद आता है सांची, सारनाथ और प्रयाग का जो लघु स्तंभ लेख है उनमें क्या बात मिलती है, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों सांची, सारनाथ और प्रयाग से बौद्ध भिक्षुओं की चेतावनी, बौद्ध भिक्षुओं ने जो चेतावनी दी उनके बारे में हमें सांची, सारनाथ और प्रयाग स्तंभ लेखों के माध्यम से पता चलता है। विद्यार्थियों जो चीज मैंने यहाँ पर बताई है ये सारी पिछले एग्जाम्स में आ चुकी है, पिछले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो रीट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की, ये कौन सा शिलालेख बताता है, तो ध्यान रखना शिलालेख नंबर 8 इस बात को बताता है। आपसे पूछा जा सकता है अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ये कौन सा लघु शिलालेख बताता है, तो लघु शिलालेख 1 बताता है। बौद्ध भिक्षुओं की चेतावनियों से संबंधित लेख कहाँ मिलते हैं, सांची, सारनाथ और प्रयाग के स्तंभ लेखों से हमें इस बात का आभास होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि निगली सागर की यात्रा कब की, तो राज्याभिषेक के 14वें और 20वें वर्ष में निगली सागर की यात्रा की थी और निगली सागर स्तंभ लेख से इस बात का हमें आभास होता है कि यहाँ पर कनक मुनि की मूर्ति का लोकार्पण और यहाँ की पूजा अर्चना अशोक ने की थी। इसके अलावा रूमिनदेही सबसे इम्पोर्टेंट है कि रूमिनदेही की जनता पर धार्मिक कर जो सब पर 1/6 लगा हुआ था यहाँ के लोगों पर कर को कम करके कितना कर दिया, 1/8 कर दिया, किसने, अशोक ने। ठीक है विद्यार्थियों, तो अशोक ने जो बुद्ध की जन्म स्थली थी वहां पर राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यात्रा की थी और जहां पर महानिर्वाण प्राप्त हुआ किसको, महात्मा बुद्ध को बोध गया में, वहां की यात्रा अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कर ली थी विद्यार्थियों। उसके बाद आता है बाबू शिलालेख जो कि बेराट की पहाड़ियों से राजस्थान के जयपुर जिले में दिखता है, जिसको वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। वहां पर लिखा गया है कि अशोक को मगध का राजा, बाबू शिलालेख के ऊपर लिखा है कि अशोक मगध का क्या था, राजा था। त्रिरत्न के बारे में लिखा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, इसके बारे में भी भाब्रू शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के बारे में हमें जानकारी मिलती है भाब्रू शिलालेख से, और अशोक ने बौद्ध धर्म के चीर स्थायित्व की कामना की और इसके माध्यम से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। इन सभी शिलालेखों, अभिलेखों, स्तंभ लेखों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना अशोक के जो त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ये बात कहाँ देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों भाब्रू शिलालेख जो कि वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित पड़ा है वहां पर हमें इस बात, यह बात देखने को मिलती है। अब बात आती है अशोक के धर्म के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। फादर हिरास कहता है कि अशोक ब्राह्मण धर्म का क्या था, अनुयायी था। कौन? फादर हिरास कहता है कि अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। फ्लिट कहता है कि वो राज धर्म का अनुयायी था। चांदा, स्मिथ, मुखर्जी और त्रिपाठी, इन चारों के आधार पर कहा जाता है कि अशोक के धर्म में सभी धर्मों का सार था। अशोक के धर्म में सभी धर्मों का क्या था, सार था। ये कौन कहता है? ये कहते हैं चांद्रा, स्मिथ, मुखर्जी और त्रिपाठी, इन चारों के आधार पर कहा जाता है कि अशोक का जो धर्म था वो सभी धर्मों का सार था। उसके बाद आता है रोमिला थापर का कहना है कि अशोक का धर्म स्वयं द्वारा आविष्कृत
स्वयं द्वारा आविष्कृत एवं वैचारिकता वैचारिकता जिसका मेन उद्देश्य प्रजा में इस प्रकार की इमेज बनाना था ताकि सभी लोगों का सहयोग प्राप्त कर सके, इसके लिए अशोक के धर्म को स्वयं द्वारा आविष्कृत और वैचारिक माना है रोमिला थापर ने। रोमिला थापर ने कहा है कि अशोक ने अपने धर्म के अंदर उन चीजों को समाहित किया जो तात्कालीन सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक तत्वों से मेल खाती हो और जनता व प्रजा के अधिकाधिक सहयोग को प्राप्त किया जा सके, ऐसे धर्म का प्रादुर्भाव किया था अशोक ने, ऐसा मानती है रोमिला थापर। उसके बाद जीडी भंडारकर साहब कहते हैं उपासक धर्म, अशोक के धर्म को उपासक धर्म के नाम से जानते हैं। कौन कौन आपके जीडी भंडारकर साहब, तो आपने देखा फादर हैरास अशोक के धर्म को ब्राह्मण धर्म बताते हैं, फ्लिट उसको राज धर्म बताते हैं, चांदा स्मिथ मुखर्जी त्रिपाठी ये चारों अशोक के धर्म को सभी धर्मों का सार बताते हैं। रोमिला थापर कहती है कि अशोक का धर्म स्वयं द्वारा आविष्कृत और वैचारिक धर्म था जो तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धर्म का निर्माण किया गया था। धर्म में उन तत्वों को शामिल किया गया था जो कि तत्कालीन परिस्थितियों से मैच करते हो। उसके बाद आता है भंडारकर। भंडारकर ने अशोक के धर्म को उपासक धर्म की संज्ञा दी थी। अब बात आती है अशोक ने स्वयं भी धर्म की परिभाषा दी है। अशोक ने अपनी धर्म की जो परिभाषा ली है वो ली है राहुलोवाद से। कहाँ से ली है? अशोक ने अपने धर्म की परिभाषा राहुलोवाद से ली है। ये वाला क्वेश्चन भी RS3 में भी पूछा जा चुका है और आपके रीट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अशोक ने अपनी धर्म संबंधी परिभाषा कहाँ से ली है, तो आपका आंसर होगा विद्यार्थियों राहुलोवाद से। राहुलोवाद से धर्म संबंधी परिभाषा ली है। माता पिता की सेवा का भाव स्मितोवाद से ली है। किसने? अशोक ने कहा है। क्या कहा है विद्यार्थियों? अशोक ने कहा है क्या कि धर्म संबंधी परिभाषा के अंतर्गत अशोक ने कहा पाप से दूर करो, ऐसे काम करो जिससे क्या हो, दया परोपकार दूसरों के साथ सहयोग करने की भावना, प्रेम सहयोग, किसी के साथ ईर्ष्या ना करना, ऐसे भावों का उदय अगर व्यक्ति के अंदर हो रहा है तो वो एक तरीके से क्या है, धर्म है। ये परिभाषा अशोक द्वारा बताई गई स्तंभ लेख नंबर 2 में। स्तंभ लेख नंबर 2 में क्या बताई गई? स्तंभ लेख नंबर 1 में अशोक ने अपनी धर्म संबंधी परिभाषा दी। धर्म संबंधी परिभाषा राहुलोवाद से ली। पाप से दूर रहो, ऐसे कल्याणकारी कार्य करो जिससे आपके अंदर दया परोपकार सहयोग सहिष्णुता सामंजस्य सहयोग आदि भावों का उदय हो, उसे ही हम धर्म कहते हैं, ये कहा अशोक ने। ठीक है विद्यार्थी। उसके बाद आता है शिलालेख नंबर 9। शिलालेख नंबर 9 में धर्म से संबंधित आचार संहिता का प्रतिपादन अशोक ने किया। अशोक ने कहा माता पिता की का सहयोग करो, बड़ों का आदर करो, सबके कल्याणकारी कार्यों में सहयोग करो, ये बात कहता है आपका शिलालेख नंबर 9 जिसमें शिष्टाचार की बात करता है, नैतिक संहिता की बात करता है। कौन? अशोक नैतिक संहिता की बात कहता है और कहता है माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, अतिथि का सत्कार करो, बड़ों का आदर करो, ये सारी भावनाएं जो है सिगालो उत्वाद से ली है। किसने? सिगालो उत्वाद से माता पिता की सेवा का जो वर्ड है या शब्द है ये हमने अशोक ने सिगालो उत्वाद से लिया था। तो ये सारी चीजें हमें शिलालेख नंबर 9 में
देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें स्तंभ लेख नंबर 3 की। स्तंभ लेख नंबर 3 में कहा है कि धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाएं, धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख स्तंभ लेख नंबर 3 में देखने को मिलता है। धर्म के मार्ग में आने वाली ईर्ष्या, क्रोध, माया, अर्थ, काम, कई ऐसी चीजें हैं जो धर्म के मार्ग में आड़े आती है। इन सब का उल्लेख अशोक ने स्तंभ लेख नंबर 3 में किया है। शिला लेख नंबर 7 में धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कैसे किया जाए, बाधाओं को दूर करने के उपाय, बाधाओं को दूर करने के उपाय जो है वो शिला लेख नंबर 7 में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शिला लेख नंबर 12 में धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है कौन? आपका अशोक जो है शिला लेख नंबर 12 में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और कहता है कि हमें अपने धर्म का पालन करते हुए कभी भी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए। सभी धर्मों को आदर व सत्कार दिया जाना चाहिए। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए। ऐसा माना अशोक ने शिला लेख नंबर 12 में। शिला लेख नंबर 11 में धर्म की व्याख्या मिलती है। शिला लेख नंबर 11 में धर्म की व्याख्या की है किसने? अशोक ने। तो ये धर्म से संबंधित कुछ शिला लेखों के बारे में हमने डिस्कस किया। क्या कि अशोक ने धर्म की परिभाषाएं दी। धर्म की परिभाषा स्तंभ लेख नंबर 2 में मिलती है। शिला लेख नंबर 9 में धर्म से संबंधित नैतिक संहिता का उल्लेख है। स्तंभ लेख नंबर 3 में धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख किया गया है। शिला लेख नंबर 7 में बाधाओं को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। शिला लेख नंबर 12 में धार्मिक सहिष्णुता की व्याख्या की गई है और कहा गया है कि अपने धर्म का पालन करते हुए हमें दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है शिला लेख नंबर 11 में कहा गया है कि धर्म की व्याख्या करने का, धर्म की व्याख्या के बारे में बताया गया है कि धर्म क्या है, धर्म किस धर्म को हमें अपनाना चाहिए, धर्म के संबंध में हमें किन किन चीजों को अपनाना चाहिए। इन सब बातों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है विद्यार्थियों। तो आज आपने अशोक के धर्म के बारे में समझा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अशोक ने शैव धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म को भी मानता था, लेकिन अंत में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म के संबंध में विभिन्न धर्म प्रचारक उसने भारत से बाहर भी भेजे थे विद्यार्थियों। उन सब के बारे में हम डिस्कस आगे के वीडियोस में करेंगे। आज जो मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया है विद्यार्थियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीट एग्जाम में, RPSC फर्स्ट ग्रेड में, इन सब में जो पिछली बार जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं उनके आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो आप मेरे इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो अशोक के धर्म के मार्ग, अशोक के धर्म के बारे में जान पाएंगे। और आप चाहते हैं आगे भी मैं इसी तरह आपको कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करूं तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।